Very good morning, Jyoti this side from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And here I am in front of you with the IPC topic, and this is one of the most important topic of IPC, that is menstrua. What is menstrua? See, I will cover this topic in two parts. इसमें तो मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, और मैं अदर वीडियो में आई विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दैट टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन. So now let's come up. What is menstrua? Menstrua means a guilty mind. Menstrua means a guilty mind. And though here I have written one maxim, please see this. Actus non facit triam nisi menstrua means the act alone does not amount to guilt. It must be accompanied by a guilty mind. इसको मैं जो मैंने मैक्सिम दिया है इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एन एग्जांपल, देयर इज वन ए इन अ क्राउडेड मार्केट एंड वन बी केम नियर बाय ए और उसका पैर गलती से ए के पैर पर लग जाता है, ऐसे स्टैम्प हो जाता है मिस्टेकनली. मे बी बी अपोलोजाइज विद ए और मे बी ही डोंट अपोलोजाइज विद ए. आइदर वेज ए का रिएक्शन क्या होगा? मे बी उसको बहुत तेज चोट लग गई हो, ए को चोट लग गई हो, बट स्टिल व्हाट ही विल डू, इट्स ओके फाइन प्लीज थोड़ा सा देख के चलिए, इतना सा कह देगा वो. ठीक है, अगर उसने अपोलोजाइज नहीं किया, बस पैर मारा चलते बना आगे, तो एट द मोस्ट व्हाट ही विल डू, ये क्या करेगा? ये कहेगा तमीज नहीं है देखने की, देख के नहीं चल सकते हैं, कांट यू सी, डोंट यू हैव मैनर्स टू वॉक, है ना. मन ही मन कुछ कुछ बोलेगा एंड देन दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं बोलेगा वो. ठीक है, लेट सपोज वन सी केम और सी आया और उसने ए के पैर पे कस के स्टैंपिंग किया, जोर से पैर मारा अपने, और वो इंटेंशनली मारा. व्हाट इज रिएक्शन विल बी? विल एज रिएक्शन विल बी सेम एज द रिएक्शन गिवन टू द विद सी विद विद बी? जो रिएक्शन ए ने बी को दिया था, क्या सेम रिएक्शन वो सी को देगा? नो, नॉट एट ऑल. यहाँ पर ए विल रिएक्ट, मे बी ही अब्यूज हिम, मे बी से कुछ कह दे, या मे बी वो उसको पुश कर दे, एनीथिंग. ठीक है, तो रिएक्शन अलग अलग क्यों है? एक्शन तो एक था, दोनों ने, बी और सी दोनों ने ही उसके पैर पे स्टैंप किया था और दोनों के मारने से उसके पैर पे चोट लगी थी, तो बी को तो उसने माफ कर दिया, सी को क्यों नहीं माफ किया? बिकॉज बी कमिटेड मिस्टेकनली एंड सी कमिटेड इंटेंशनली. सेम वे आर सोसाइटी हैज द सेंस, हम सब जो हैं अगर किसी से गलती से कोई काम होता है तो वी फॉरगिव हिम, एंड अगर कोई इंटेंशनली करता है वी पनिश हिम. सेम लॉ डज, लॉ ऑल्सो सेज इफ एनी पर्सन कमिट एनीथिंग मिस्टेकनली देन लॉ डजंट पनिश दैट पर्सन, बट इफ पर्सन डू डज एनीथिंग इंटेंशनली देन देयर लॉ स्ट्रिंजेंटली पनिश दैट पर्सन. अब इसी एग्जाम्पल को ऑपोजिट ले लेते हैं. लेट सपोज जब बी ने ए के पैर पे मिस्टेकनली मारा था तो ए ने उठा के उसको कस के एक थप्पड़ मार दिया खिंचा के. विल अब यहाँ पे ए का जो रिएक्शन है क्या ये एक्सेप्टेबल है? इज एज रिएक्शन एक्सेप्टेबल? आसपास के लोग बोलेंगे तमीज ही नहीं है इसको, कैसे बिहेव कर रहा है, इतना क्राउड है, गलती से किसी से भी लग सकता है, वैसे ही इससे भी लग गया. और अगर सी ने आके इंटेंशनली पैर पे मारा और बी ने वैसे ही उसी तरीके से सी को भी थप्पड़ मारा, तो आसपास के लोग क्या कहेंगे? विल दे एक्सेप्ट दिस? यस, देयर दे विल एक्सेप्ट, कहेंगे कि इसने जानबूझ के मारा था इसलिए इसने इसको मार दिया, तो पूरी सोसाइटी भी उसके एक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी. लेकिन अगर जहां पे किसी ने मिस्टेकनली किया और आपने उसको पनिश किया तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. The same our law says if any person commit any offense with a guilty mind, there he will be held liable. ठीक है, so most importantly what is here, I discussed in my previous video about the actus reus and mens rea. Actus reus means consequence of human conduct. There are two major ingredients of any offense, one is the actus reus and the other one is menstrua. Actus reus I have already discussed in my previous video, you can go through it. Menstrua I am discussing here. तो अगर actus reus हुआ है और menstrua नहीं है तो this will amount to no offense. Okay? अगर ये example जो मैंने A और B का दिया,
वो यही एग्जाम्पल एक्टर श्रेयस तो हुआ है बट बी का कोई मेंस्रिया नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं माना गया. अगर खाली मेंस्रिया है तो भी वो पनिशेबल नहीं होती. फॉर एन एग्जाम्पल आई डोंट लाइक एनी एग्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू किल हिम, तो मेयर थिंकिंग और मेयर डिजायर टू किल हिम, मेयर हैविंग अ माइंड दैट आई वॉन्ट्स टू किल हिम, विल आई गेट लायबल फॉर दैट? डेफिनेटली नो. सो मेयर ओनली मेंस्रिया ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस. क्लियर? एक्टस रियस मेंस्रिया दोनों होना चाहिए, अगर कोई भी एक मिसिंग है तो वो नो ऑफेंस हो जाता है. दिस इज मेंस्रिया. देन अदर थिंग इज मेंस्रिया शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ वॉट? प्रोसेस ऑफ द ऑफेंस. अगर कोई ऑफेंस होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसकी प्लानिंग होती है. Then we have consequence. सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ, फिर मैं उसके सर्कमस्टांसेस को फाइंड आउट करूंगी कि मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मारने की, और फाइनली मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने सामने वाले को मार दिया. थ्रू आउट प्रोसेस आई शुड हैव मेंस्रिया हियर. मेंस्रिया ब्रेक नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? And for an example, we have I can give you two example, two or three examples. For an example, like a 4-year child, उसने पिस्टल लिया, लोडेड पिस्टल लिया एंड ही शूट, और वो जो पिस्टल थी वो जाके जो है वो उसकी मम्मा को जाके लग गई. विल दैट स्मॉल चाइल्ड गेट लाइबल? ऑल्दो वी हैव द जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है 7 साल से छोटा बच्चा का कोई ऑफेंस करता है तो वो लायबल नहीं होता. पर ऐसा क्यों लॉ बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि 7 साल से छोटे बच्चे के पास कोई मेंस्रिया नहीं हो सकती. इज अ वेरी इनोसेंट इनोसेंट चाइल्ड क्रिएचर, करेक्ट? 4 साल के बच्चे के पास क्या मेंस्रिया होगी, क्या गिल्टी माइंड होगा? उसे ये भी नहीं पता होगा कि मरना क्या होता है और जीना क्या होता है. तो यहाँ पर आप उस बच्चे को कैसे पनिश कर दोगे? ठीक है, सेम वे अगर कोई 13-year चाइल्ड है एंड ही कमिट मर्डर, बट ही मे बी ही कमिट मर्डर जस्ट टू सेव हिज ओन लाइफ, विल ही गेट लायबल? नाउ इन दिस एग्जांपल देयर इज एक्टस रियस, सामने वाला मर गया, एंड आल्सो मेंस्रिया, उसने जानबूझ के मारा सामने वाले को. क्यों? पर क्यों मारा? ही किल्ड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सेव हिज ओन लाइफ. So despite of the fact there is actus reus and mens rea both, still he will not liable for that particular offense because he did that act just to save his own life. Theek hai? And I can give you, okay, how many types of mens reas are there in the IPC? We have 3 kind of mens rea. Intention, knowledge, reason to believe. We have 3 mens reas here in IPC. Okay, although we like motive, negligence, and so many things are there, but they are not mens rea. Mens rea sirf ye teen hi hai. Intention means where you desire to produce a particular consequence. जहाँ आप चाहते हो, like you want to become a judge. This is your desire. So, आपके actions क्या हो जाते हैं? Pro हो जाते हैं. Knowledge, where you know, if you study, then definitely you will get, then definitely you may crack the exam. आपको knowledge है, but आपके actions जो हैं थोड़े passive रहते हैं in comparison to the intention. Reason to believe is the lowest degree of the mensrea, जहाँ पर आपको ना तो subject matter clear है, ना ही उसके consequence clear है. इन तीनों को मैं दूसरी video में discuss करूँगी. In depth, along with the negligence and the motive. Here I have given a gist about all these 3 mens reas. So this is it for today. This is it for this video. Thank you so much for watching me, for listening me. If you like the content of the video, please hit the like button and subscribe my channel. It will be great help to me. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.